गाइस माय नेम इज सोहेल रंजन यू आर वाचिंग माय चैनल अदर रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास सैनियो का इन्वर्टर एसी है और उसमें F06 करके डिस्प्ले में अगर शो हो रहा है और आपका एसी कूल नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा F06 क्यों आता है सैनियो इन्वर्टर एसी में और इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी मीनिंग क्या है वो भी बताऊंगा इस वीडियो। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको या मुझसे कुछ डिस्कस करना है या कुछ सजेशन चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है रजा रेफ्रिजरेशन 777 के आपसे मेरी आईडी गाइस जाइए उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस हम बात कर रहे थे सैनियो इन्वर्टर एसी में F06 करके एरर आ रहा है गाइस, तो ये कंप्रेसर सक्शन टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट है। इसमें आपको करना ये होगा गाइस कि कंप्रेसर में आप देखेंगे सक्शन पाइप में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, हो सकता है कि चूहे ने उसे ब्रेक कर दिया हो। अगर चूहे ने उसे ब्रेक किया, आप आउटर को खोल के देखिए, चूहे ने उसे ब्रेक किया है तो आप उसको रिपेयर करके चला सकते हैं, तो ये F06 हट जाएगा पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर टेम्परेचर सक्शन टेम्परेचर सेंसर अगर चूहे ने ब्रेक नहीं किया है गाइस और उसके आप एक बार पीसीबी से कनेक्टर को निकाल के फिर से लगा के देखिए, हो सकता है लूज कनेक्शन की वजह से भी F6 आता है तो इससे भी दूर हो जाएगा। अगर इससे भी दूर नहीं होता आपका F6 एरर तो आपको सक्शन टेम्परेचर सेंसर चेंज करना पड़ेगा, वो सेंसर चेंज करने के बाद एब्सोल्युटली ये वाला जो एरर है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें।